किशनगढ़ पास में चाकुओं से हमला कर घायल किए गए व्यापारी की पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की है। घायल व्यापारी की पत्नी ने बताया कि आरोपियों को जरा भी राहत देने से फिर वे किसी अन्य व्यापारी पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। जी बताएं कि क्या आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इसे ये दोषी है, इसको एक तरह से फांसी की सजा ही दे दी जाए, ताकि जो है लोगों का बहुत सारे व्यापारी है उनके भी पैसे रुके पड़े हैं इसके पास, उनके उसका काम भी इसी तरह का है। क्या नाम था पीड़ित का जिनके पास जानलेवा हमला हो? जिसके ऊपर जानलेवा होगा उसका नाम उत्तम कुमार है और वो मेरा ना साला है और मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरे को तो 11 बजे पता लगा था, तो मैं 4 बजे यहाँ आ चुका था। तो मतलब उन्होंने इनको धोखे से बुलाया था? उन्होंने इनको बुलाया था कि आप पेमेंट ले जाओ। इनकी एक दो बार बात हुई होगी, वो पेमेंट नहीं दे रहा था बार बार में, तो क्या आज दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा, तो कोई बात नहीं भाई थोड़ा देर रह जाएगी। फिर बोला कि ऐसा आपको पेमेंट चाहिए तो आप मेरे पास ही आ जाओ, तो इन्होंने उसको बुला लिया वहीं पर ही अपने किशनगढ़ के। आपको क्या लगता है कि इसमें एक या दो है, इसके अलावा अन्य भी कोई आरोपी हो सकता है? इसके अंदर दो आदमी तो है, उसके साथ में और भी है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसे बंदे की देवेंद्र नाम के बंदे की जो है इसकी जो है फुल डिटेल करी जाए पूरी, उससे के किस किस बदमाशों से संपर्क हैं और ये कैसे हैं और किस किस को बुलाया है। ऐसा कुछ है कि आपके परिवार को आगे भी इस तरीके के इनसे कोई खतरा है? नहीं, हमको लगता है कि उनकी जो जवान दो मतलब बेटियाँ हैं और ये खुद ही हैं, अब ये इनको दिक्कत होती है तो हमको भी शर्मिंदा होती है इस बात। तो आगे भी इस तरीके की कठोर से कठोर सजा दी जाए? हम तो चाहते हैं कठोर से कठोर सजा दी जाए। पुलिस से क्या मांग है आप? पुलिस से यह है कि उनको हमको ये पता लगना चाहिए कि उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया। आधे लोग तो ये कह रहे हैं कि जो है उनका कुछ होने वाला नहीं है, और आधे वाले कह रहे हैं कि पैसे देके खिला देते हैं, आधे कह रहे हैं कि जो कुछ अरेस्ट हो गया। तो हमको अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई। ये सर 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड और व्यापारी की बहुत कहा सुनी चल रही थी बातों पेमेंट के लिए। वो कह रहे थे कि मुझे पेमेंट चाहिए, वो कह रहा कि आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करके कर हफ्ता चल गया कि उसने कहा कि चल तू यही पेमेंट लेने आ जा। ये परसों कल मॉर्निंग में सुबह 6:15 बजे घर से निकले, मैं छोड़ के आई हूँ उनको, फिर ये चले गए। किससे गए थे? ये बस से गए थे, बाई बस गए थे। वहाँ पर मैंने पहुँच गई, अपना काम करते रहे। जब मैंने 9:45 के समथिंग मैंने फ़ोन किया इनको, तो उन्होंने एक बार फ़ोन नहीं उठाया, दो बार नहीं उठाया, तीन बार नहीं, चार पांच बार इन्होंने फ़ोन उठाया, तो ये बहुत बुरी आवाज़ें बोले कि मैं आप कहाँ। तो इन्होंने ये कहा था कि मुझे काट पीट के ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल बिठा के मुझे झाड़े में पटक गए, मुझे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल चलाया, मैं खेतों में पड़ा हूँ। तो मैंने तुरंत अपने घर वालों को कॉल किया, फिर मैं तुरंत यहाँ से गई, वहाँ से हम हॉस्पिटल आए, फिर हॉस्पिटल किशनगढ़ से हम सीधे अलवर आ गए। अलवर सरकारी हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हुआ था, फिर वहाँ से थोड़ा सा करके नहीं हम फिर सोलंकी हॉस्पिटल में आ गए। सर जो भी हुआ मेरा हस्बैंड के साथ हुआ, वो तो हुआ, मुझे दुख है, लेकिन सर उन जैसे निकम्मों को कभी भी सजा न होनी चाहिए, सजा कठिन से कठिन सजा मिले। सर क्या मांगा आपकी प्रशासन से? सर यही है कि मतलब मेरा हस्बैंड लगा मैं बीमारी के पैसे कहाँ से लाऊंगी, 3-4 लाख रुपये, 3-4 लाख रुपये का पेमेंट है, मैं बच्चों को खाना कहाँ से। लॉकडाउन के वजह से वैसे ही काम धंधा ठप पड़ा, काम धंधा लॉकडाउन की वजह से वैसे काफी मंदे चले थे, ऐसे मेरे आदमी को मतलब कमा के कौन देगा, वो तो पेट में क्या खाएंगे, मेरे छोटे छोटे दो बेटियाँ हैं, इनको कौन खर्चा चला लेगा। तो सर मेरी यही गुंजाइश है कि मुझे न्याय मिले।